हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आपके लिए आज न्यूमेरिकल लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिकली ये पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस्ड है जो ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएटिंग इट्स पार, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैम्प। तो बेसिकली क्या है कि ये लैम्प है 100 वॉट का और एक 5 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, यदि हम इसको पूरे सरफेस पे लेते हैं, इस 5 मीटर डिस्टेंस पे हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कितने एरिया पे फॉल हो रहा है, एरिया ऑफ विच एनर्जी फ्लक्स फॉल कितना हो गया, दैट इज टोटल इज 4πr² एरिया, दैट इज 4π का स्क्वायर हो गया, ये 100π² ठीक है। जब हमने यहां पे सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया ऑफ बेस एनर्जी फ्लक्स फॉल 4πr² हो गया। अब जो हमारे पास कौन बताया कि एनर्जी कितनी कैरी करता है, वो बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पता करना हो या फिर एनर्जी कितना कैरी कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एस जब ये क्या एनर्जी कैरी मतलब एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज ई क्रॉस एच, नॉर्मली फॉल हो रहा है तो ई एच साइन थीटा साइन 90, दैट इज ई। और यहां पे हमारे पास एस क्या है 100 वॉट का मतलब है 100 वॉट अपॉन कितने एरिया पे वो फ्लक्स है, दैट इज अपॉन 100 अपॉन 100 पाई मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया वॉट। तो ये बेसिकली कितना है हमारे पास, बेसिकली ये हो गया 100 को इसको, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज द एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकंड। अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास दैट इज बेसिकली इक्वेशन 1। अब हमें पता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो उसके साथ यदि हम फ्री स्पेस की बात करें तो उसके साथ एक वेव इंपीडेंस मतलब इंपीडेंस फील करती है वेव जब वो किसी फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, तो वो इंपीडेंस कितना है, जेड इज इक्वल टू ई बाई एच, that is 376.60। already हमने discuss कर लिया है कि impedance field जब हमने electromagnetic wave equation study की थी free space, ठीक है। अब हम ये हो गया equation number 2, अब multiply 1 and 2, अब हम क्या करेंगे 1 और 2 को multiply करेंगे, multiply 1 and 2 हमें क्या निकालना है electric and magnetic field strength, तो ये कितना हो गया EH मल्टीप्लाई बाई EH, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोलने चाह गया बच्चों तो ये हो गया हमारे पास 100 अपॉन 100 पाई मल्टीप्लाई बाई 376.6, ठीक है। अब H से H कैलकुलेट हो गया, जब इसको करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E का स्क्वायर डेट इज 119.9, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डेट इज रूट 119.9, डेट इज इक्वल टू द 10.95 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सोडियम लैम्प। अब हमें क्या है एच निकालना है, अब ई वाई एच हमें पता है दैट इज 376.6 ओम आ गया, अब हमारे पास एच कितना आएगा, यहां से हम एच जो है ई वाई एच कितना है 370, तो एच कितना हो जाएगा ई 376.6 ओम, ये ओम में है, तो टोटल एच हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10.95 वोल्ट पर मीटर अपॉन
376.64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एच जो आएगा हमारे पास वो 0.029 एम्पेयर टर्न पर मीटर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर। ठीक है बच्चों, और थैंक यू वेरी मच।